हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपको बताने वाला हूँ कि आपको एप्पल इंटेलिजेंस के फीचर हैं वो आपको नॉर्मल डिवाइसेस के ऊपर कैसे देखने को मिलेंगे। जैसे कि मेरे पास है दोस्तों आईफोन 11 ग्रीन कलर में 64 GB वेरियंट। अगर आपको भी आपके पास भी नॉर्मल डिवाइस है आईफोन 12, आईफोन 13 एंड आईफोन 11, आईफोन 10s वगैरह, तो आपको ये कैसे आपको ये फीचर देखने को मिलेंगे, चलिए बताता हूँ आपको इस वीडियो में। सबसे पहले आपको करना क्या है, अगर आपको आईओ सेटिंग का अपडेट अगर आपको शो नहीं हो रहा तो आपको ये शो कैसे होगा, चलिए आपको बताता हूँ। फिर आपको यहाँ पर एक सिंपल सेटिंग्स में आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सीरी के यहाँ पर अपडेट है जैसे आपको बड़े नाम से देखने को मिल जाएगा। सो आपको ये देखने को कैसे मिलेगा, चलिए बताता हूँ आपको इस वीडियो में। सबसे पहले आपको करना क्या है, सफारी वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, फिर यहाँ पर आपको टाइप करना है बीटा एप्पल या फिर एप्पल बीटा, आप सिंपली टाइप कर दो। आपको अपडेट को इंस्टॉल करना है iOS 18.1 का अपडेट। सो आपके केस में अगर नहीं है इंस्टॉल तो आपको ये इंस्टॉल कैसे करना है, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगी ऑलरेडी मेंबर की, यहाँ पर आपको या फिर आप अगर आपको साइन इन वाले ऑप्शन देखने को नहीं मिल रही आप सिंपली साइन इन अप वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना। सेम इंटरफेस रहेगा, आपको जस्ट अपनी एप्पल आईडी वगैरह अपनी एंटर कर देनी है, आपको उसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। सो यहाँ पर आपको साइन इन विद पासवर्ड के ऑप्शन के ऊपर मैंने क्लिक किया। सो यहाँ पर मैंने अपना पासवर्ड वगैरह एंटर कर दिया। अगर पहली बार नहीं हुआ तो आपको सिंपली दो बार क्लिक कर देना है, दो बार क्लिक करने के बाद ये जो है हो ही जाएगा, इसके बाद आपको कोई भी जो प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। सो उसके बाद आपको नेचिया का ऑप्शन देखने को मिल जाएगी एनरोल यूवर आईओएस डिवाइस की, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगी। इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है आपको, एंड देन आप क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको नेक्स्ट पेज फिर से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगी ओपन बीटा अपडेट्स की, इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। एंड देन आपको सीधा ही सेटिंग्स में चले जाना है। सेटिंग्स में जाते ही यहाँ पर आपको जो एक ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगी आईओएस 18.1 बीटा की। सो यहाँ पर जो मेरे केस में देखने को मिल रहा है सेम आपको यहाँ पर आपके केस में भी ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगी। आपको सिंपली आईओएस 18.1 बीटा के ऊपर सेट कर देना है। मैं कहना है यहाँ पर आपको आईओएस 18.2 आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जब भी आपको आईओएस 18.1 का अपडेट देखने को मिल जाएगा तब आपको ये फीचर जो है बड़े नाम से देखने को मिल जाएंगे अपने आईफोन के ऊपर। सो गाइस, आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर ऐसी वीडियोस और भी देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो।